नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जूते कौन चुराएगा, ऐसा है क्या? अरे यार, सब तो शादी करने शादी करने बैठे, जूते चुराएगा तो चुराएगा कौन? बच गए प्रभु श्री रामचंद्र जी, नहीं तो कुछ गांव तो देना ही पड़ जाते शादियों को। भाई चारों बच गए। एक एक देखा जाए तो सबके बचे। फिलहाल क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, साली घर ही आ रही है, चुराती रहेगी जीवन भर जूते। अभी तो देखिए, हमारे उधर की शादियों में एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो होती गाली, जो बार बार क्या मिलती है, क्योंकि गाली में प्रेम रहता है। किसी घर की बिटिया लेके जा रहे हो, प्यार से तो बुलाएगा नहीं। देखा जाए तो एक लक्ष्मी की किसी को लेके जाना है, और वो भी सम्मान पूर्वक इस विधि के साथ, बहुत ही अद्भुत होता है। सारे संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार तो है ही, लेकिन इस संस्कार को करने के दौरान जिस प्रकार की पूजा पाठ और विधि अपनाई जाती है, और बहुत भव्यता का दिखाई है कि हमारी सभ्यता किस प्रकार से, और बहुत डिटेल में दिखाई है। इसको समझने वाली बात है और इसे सीखने वाली बात भी है। और अच्छा मुझे ये लगा कि लाइनें जो दी गई है ना, कि सबरे पुण्य कमाओ, सब मेरा मंगल गा। अच्छा, हम लोग एक शादी में गए थे, अब कोइंसिडेंस ये हुआ कि जूता चुराने से पहले ही हमने क्या किया कि अपने मित्र के जो जूते हैं वो एक कार में, जिसमें हम लोग सो रहे थे रात में, कि यार ठीक है आप लोग शादी ब्याह कर दीजिए, हम लोग सो जाते हैं, हम लोग बहुत थक गए, हम लोग ने कार में बंद कर दिया और लॉक कर दी गाड़ी, और लॉक करने के बाद हम लोग सो गए। अब जब उनकी जो साली हैं उनको जूते नहीं प्राप्त हुए, तो जितने भी वहां पे बैठे थे उन्होंने सबके जूते निकाल के बोरे में डाल दिए। एक बराती जूता नहीं लिया भाई, जब तक पैसा नहीं मिल गया। अब उनका कहना था, अब हमारे मित्र ने फोन किया कि भाई कहाँ रखे हो, ला के दे दो, उन्होंने सबके जूते चुरा लिए। और हम लोग जब पहुंचे, स्थिति बताई, तो कह रही आपने गलत किया, ये तो नियम है। नियम तो नियम है, ऊपर से रख के सो भी है, ये तो और गलत है, पर क्या करे, विवाह है, गलतियां होती रहती, चलता रहता। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 77 पार्ट 2। कन्यादान का शुभ मुहूर्त अब समीप आ गया है। मैं कन्या के माता पिता से अनुरोध करता हूं कि वह निष्ठापूर्वक मंडप के समीप पहुंचे। मिले जुले बाबा, इतना खुशी भी है। किन हाथों से करूं मैं सीता का कन्यादान, हाथों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिन हाथों ने उसे भोजन करवाया, जिन हाथों से उसे थपकी देकर सुलाया, उन हाथों से आज उसका कन्यादान कर उसे क्षण के लिए भी अपनी आंखों से नहीं होने दिया, और उसे एक एक क्षण में अपने आप से अलग कैसे कर दो। से नहीं होगा ये दान, नहीं होगा। सुनैना, जब ब्रह्मदेव द्वारा कन्या की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने शर्त दिया, यही था अर्थात दो वंशों का हित करने वाली, माता पिता को ये दायित्व सौंपा जाता है कि वो अपनी पुत्री को दूसरे वंश के हित हेतु दान करें। इसीलिए कन्यादान को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। धर्मशास्त्र और नीति ग्रंथ में भी माता होने का कर्तव्य अदा कीजिए।
राजा जनक करते सिया का शुभ दान। विधि का विधान देखो हो रहा मिलन, देवगण मुनि जन सकल जग कर रहे नमन, धन्य धन्य हुई आज जनकपुरी है। नैनों की ज्योति सीता को रघुकुल तिलक, रघुनंदन राम को दान दे देता। गठबंधन प्रतीकात्मक स्वरूप है संयुक्त इकाई के प्रारंभ का। गठबंधन में पांच वस्तुएं डालकर गठ जोड़ा जाता है। सर्वप्रथम मुद्रा, अब से पति पत्नी के जीवन में धन पर दोनों का समान अधिकार होगा, किसी एक का नहीं। युगल दंपत्ति का आगामी जीवन आरोग्य और स्वास्थ्य संपन्नता से परिपूर्ण रहे, इस हेतु हल्दी। पति के जीवन में आनंद बना रहे, पति पत्नी के मध्य प्रेम के पुष्प सदैव खिलते रहें, इसके कामना प्रतीक के रूप में पुष्प। उसके उपरांत ध्रुवा, क्योंकि ध्रुवा कभी मूर्छित नहीं होती है, जल से सिंचित होते ही वह पुनः हरी हो जाती है। इसी प्रकार पति पत्नी के मध्य में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना उत्पन्न हो, प्रेम रस की वर्षा होते ही
आनंद का संतुलन पुनः स्थापित हो जाए, इस कामना से ध्रुवा। और सबसे अंत में अक्षत, घर धन धान्य और अन्न से परिपूर्ण रहे। संयुक्त जीवन की यह नींव कभी डगमगाए नहीं, सदैव संतुलित रहे, यह गठबंधन उसी कामना की प्रार्थना है। अब जीवन में सब कुछ साथ साथ हो, सुख आए तो साथ साथ, और दैववश यदि दुख आ जाए तो वो भी साथ साथ। जीवन में कुछ भी एकाकी या अकेले नहीं, पति पत्नी के बीच सब कुछ साथ साथ हो, इस कामना का प्रतीक है यह गठबंधन। प्राप्त करने के लिए त्याग की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। जिस तरीके से कन्या दान इसका एक प्रतीकात्मक रूप है कि कन्या का दान करने के उपरांत ही आपको पुत्र के रूप में एक जमाता मिलता है। जिस जमाता ने यह दायित्व अपना समझा कि उसको अब एक की बजाय दो परिवारों की संरचना करनी है, दो परिवारों का निर्वाहन करना है, उसका जीवन सुखमय मिलेगा। जिसने ये सोचा कि नहीं, अब यहां से केवल कन्या पे मेरा अधिकार है, उसका जीवन सुख में नहीं बीतेगा। अधिकार किसी का किसी पे नहीं, दोनों का सामंजस्य बैठता है। सामंजस्य बैठने से अधिकार सौंपा जाता है, अधिकार लिया नहीं जाता। जिस प्रकार से एक पुत्री विवाह के पश्चात एक नए परिवार को अपनाती है लेकिन पुराना परिवार नहीं छोड़ती है, पुराना परिवार वैसे ही सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करती है, वैसे ही एक जमाता का अधिकार यही होता है कि वो दो परिवारों की जिम्मेदारी लेके चले और दोनों तरफ उसका परस्पर ध्यान रहना चाहिए हर सुख दुख में। गठबंधन को कितना अच्छे से और विस्तृत रूप से इन्होंने समझाया कि जिस तरीके से धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन पे अधिकार किसी एक का नहीं है, दोनों का है। सैलरी किसी एक की नहीं होगी, चाहे कमाए कोई भी, याद रखिएगा इस बात को, ज्यादा या कम फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 30 पा रहे हैं, अगला 70 पा रहा है, तो एक हुई, वो ये नहीं हुआ कि मैं 70 तुम 30। जिम्मेदारी भी दोनों की बनती है परिवार को चलाने की और संरक्षित रखने की। अच्छा, एक दूसरे से सारी बातें, सारी चीजें, सब कुछ साझा करने, यही एक दाम्पत्य जीवन का सुखमय जीवन देगा। जिस प्रकार से एकदम फोकस करके दिखाया गया कि कन्यादान एक महादान है और कहलाया भी जाता है, लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि आज के समय में उस दान के साथ कई और दान जुड़ गए हैं। कार दान, मोटर बाइक दान, बंडल दान, उसके बाद आपका यूं कह लें कि आपने जीवन भर अपने बेटे की मतलब पालन पोषण में जितना खर्चा किया, आप पूरा वही ले रहे हो, उससे भी ज्यादा मांग रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, समाज में कुछ कुरीतियां व्याप्त हैं जिनको समय खत्म कर दे। लेकिन हमारा कार्य यही है कि आप तक अच्छी चीजें पहुंचाएं। अगर आप इस सीरीज को देखने के बाद भी कुछ परिवर्तित कर देते हैं और आगे उसको एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन होगा हम यही उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अंत भी करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।